ओम शांति श्वेता बहन। हाँ जी, वैसे तो सभी ओम आपसे परिचित हैं, फिर भी आपका छोटा सा मुनीर परिचय मुनीर देते हैं। श्वेता ओके बहन जी करीब 25 साल से, बल्कि 25 साल से भी ज्यादा राजयोगा से, ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही जर्मनी में श्वेता बहन ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की MBA किया, और अभी हाल ही में फ्रांस से उन्होंने लीडरशिप कोच की ट्रेनिंग ली, समाप्ति किया अभी, और वहाँ से ही अभी हमारे बीच में हैं। और हैदराबाद में स्टार्टअप में फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, और इनके जो अनुभव हैं ज्ञान में बहुत ही सेवाधारी, और हमारा भी पर्सनल अनुभव बहुत सरल स्वभाव और बहुत गुणों के धनी हमारे सम्मुख में है। और आज श्वेता बहन जी हमें बताएंगे किस तरह से हमारा तपस्या हमारा भी हुआ है, और इसको कैसे हम आधार बनाते हुए अपनी तपस्या को आगे बढ़ाते रहें। तो आज का टॉपिक है अपनी अव्यक्त स्थिति और तपस्या की अग्नि को कैसे बनाए रखें। तो श्वेता बहन, ओम शांति जी। रोली बहन आई होप आवाज ठीक है, या ईयरफोन्स यूज करना है? क्लियर है आवाज? श्वेता बहन ओम शांति। ओम शांति पूजा बहन, ओम शांति। मैं पूजा नहीं हूँ, मैं शोभना हूँ। अच्छा, शोभना बहन, ओम शांति। ओम शांति श्वेता दी। ओम शांति। हम लास्ट में सभी से मिलेंगे, क्योंकि अभी क्लास शुरू करेंगे, और लास्ट में जो भी रह सकते हैं हम, अगर चाहिए तो और भी चिट चैट कर सकते हैं, और एक एक से मिल भी सकते हैं। तो जैसे ही ये टॉपिक मिला है कि अव्यक्त मास की जो स्थिति है, जो तपस्या की अग्नि हमने जला के रखा है, उसको कायम कैसे रखें, उसके लिए तपस्या का क्या फाउंडेशन है, इसके ऊपर हम थोड़ा स्टडी करने के लिए विचार किया। तभी हमको एक बहुत ही एक क्लासेस की गुलदस्ता मिली है इस टॉपिक के ऊपर, कि तपस्या क्या है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिर्फ तपस्या एक मास की तपस्या नहीं होती है, और तपस्या ये नहीं किसी सेंटर में रहकर करना है कि वही तपस्या है, या मधुबन में करना वही तपस्या है, या अव्यक्त मास में करना वही तपस्या है, यहाँ तक तपस्या नहीं है। ये तो इंटेंस एफर्ट डेफिनेटली है, लेकिन तपस्या रियल जो हम अपने सिचुएशन में रहकर, हमारी जो रोल मिली है ड्रामा अनुसार, जहां पर भी हम हैं, घर में, जॉब में, परिवार में, सेंटर में, कहीं पर भी, उस रोल को निभाते हुए हम कैसे पुरुषार्थ की अगन को कायम रखें, ये रियल तपस्या है। इसके लिए बहुत ही सिंपल पॉइंट्स दादी गुलजार ने बताया है, बहुत ही सिंपल बट बहुत स्थिति को बनाने वाली है। ये बिल्कुल कल की मुरली से कनेक्टेड है। कल मुरली में बाबा ने बोला है चार्ट रखना है, याद हमने कितना किया है, ऑनेस्टी से रखना है चार्ट। क्योंकि हम किसी को सेंटर में हमारा आवर्स गिनने की बात नहीं है, अभी तो हमारे पर्सनल पुरुषार्थ की बात है, तो खुद को चार्ट रखना है ऑनेस्टी से। अमृत वेला 40 मिनट या एक घंटा किया है, उसमें हमारी स्थिति कैसे रही है, खुद का खुद रिफ्लेक्ट करना है, ये स्पेस खुद को देना है। बाबा जो शब्दों में बोलता है चार्ट रखना है, ये एक रिफ्लेक्टिव स्पेस है खुद के लिए, जहां हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, दूसरा कोई हमारा इवैल्यूएशन नहीं कर सकते है, बाबा भी नहीं करता है, खुद को खुद करना पड़ता है इवैल्यूएशन। मैं सारा दिन कैसी स्थिति रही, कैसे बाबा के साथ लिंक रही, मेरी क्या स्थिति रही, मेरी धारणा क्या रही है, ये सब बातें। क्योंकि हम तो राजयोग का कोर्स में ही समझाते हैं कि योगी की आसन किस पर, किस बेस पर है,
वो जो चार स्तंभ है वो अगर पक्के नहीं है तो तपस्या तो दूर की बात हो जाएगी। आप मधुबन में हो, वो वातावरण में अच्छा लगता है, लेकिन वो रियल हमारा कोई फाउंडेशन तो नहीं है। हमारा फाउंडेशन ये जो चार पिलर्स है तपस्या का, उसमें सत्संग, रोज नियमित रूप से ब्राह्मणों के संगठन में मुरली सुनना, ये सबसे पहला नियम है। ये सब भी वो बेस को तैयार करते हैं जिससे हम भगवान से कनेक्ट करें। आज भी बाबा मुरली में कहा है, देखो हम लौकिक पति को याद करते हैं, बच्चे को याद करते हैं, लेकिन शिव बाबा को क्यों याद नहीं कर पाते हैं? क्यों मेहनत है? क्यों बाबा के साथ लिंक हमेशा नहीं रहती है? अभी हमको इस पर रिसर्च करना है, कैसे हम बाबा के साथ वो गहरी लिंक बनाए और क्या फैक्टर्स है जो उस लिंक को तोड़ देते हैं, वो हमको एनालाइज करना है, स्टडी करना है और उसके ऊपर काम करना है। तो इसमें सबसे ये चार बातें तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बातें है। उसमें सबसे पहला स्तंभ है सत्संग। तो आज के समय में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमारे लिए है ये जो ब्राह्मणों की संगठन। देखो दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो इतनी विकार का वाइब्रेशंस, बॉडी कॉन्शियस का वाइब्रेशंस, वो भी इतनी अति में है, वो ऐसे बहुत सूक्ष्म अपना प्रभाव हमारे बुद्धि पर डालता है। वो संग ही, इफ यू डोंट, हम बाबा की औरा में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली हम उसके प्रभावित तो 100% होते हैं। आप चाहे ज्ञान में 20 साल से हो, 30 साल से हो, 40 साल से हो, doesn't matter, वो प्रभाव तो बुद्धि पर पड़ेगा। तो उसको, उस प्रभाव को हम कम करने के लिए ब्राह्मणों का जो संगठन है वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। हमको याद है शिवानी बहन जब हैदराबाद आई थी दो तीन साल पहले, हम पर्सनली ऐसे छोटा सा ग्रुप चिटचैट कर रहे थे, तो शिवानी बहन सबको पूछ रहे थे एक एक को, कौन रोज मुरली क्लास में आते हैं सेंटर? तो कईयों ने बोला है हम घर में पढ़ लेते हैं, वीकली 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, जो भी सबने अपना अपना सुनाया है। फिर शिवानी बहन ने बोला है, मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती हूँ कि ऐसी आत्मा ज्ञान छोड़कर चली जा सकती है। आज बाबा ने भी बोला है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बागंती माया का बनंती। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि 40 साल से ज्ञान में चल रही है, 30 साल से ज्ञान में चल रहे है, शिवानी बहन बोल रहे थे वो आज नहीं है, ज्ञान को छोड़ के चले गए। उसका मेन कारण उसने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि ब्राह्मणों के संगठन में नहीं रहते हैं। शी सेड सबसे पहले नियम है मुरली क्लास, संगठन में मुरली सुनना, संगठन में रहना, संगठन के पार्ट रहना हमेशा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सस्टेनेंस है, बहुत माना बहुत बड़ा सस्टेनेंस है ये मायावी वाइब्रेशन से। तो तपस्या के लिए सबसे पहले ये चाहिए, मुरली क्लास नियमित रूप से संगठन में, और दूसरा शुद्ध भोजन। भोजन कभी कभी हम थोड़ा हल्के रीति से भी कभी ले सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कई छूट दी है कई सर्कमस्टेंस के आधार से, तो वो भी सर्कमस्टेंस के आधार पर है। बाबा युद्ध के मैदान वालों के लिए बोला है, लेकिन वो भी बहुत ही एक सबकॉन्शियस लेवल पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है फूड का। आई थिंक बहुत लोगों को अनुभव भी है कैसे भोजन से ही हमारा योग का कनेक्शन, तपस्या का काफी गहरी लिंक है। हम खान पान की परहेज में थोड़ा ढीलापन आ जाता है तो उसका प्रभाव इमीडिएटली योग पर आता है।
तो वो भी ध्यान देने की बहुत सूक्ष्म रीति से अपने आप को चेक करना है, भोजन का भी। तो ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट है हमारी धारणाएं। पवित्रता तो है ही, वो भी उसकी भी बहुत गहरी परिभाषा है पवित्रता का भी, सिर्फ ब्रह्मचर्य तक नहीं है। ब्रह्मचर्य तो जैसे एक बेसिक स्टैंडर्ड है, जैसे LKG का स्टैंडर्ड है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण माना वो बेसिक नियम है सिलेबसी पवित्रता। लेकिन उसमें भी गहराई से देखो, दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचना, ओवर एनालाइज करना, हाँ अच्छा लगता है दूसरों को करेक्ट करना, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ों को ऐसा नहीं करने चाहिए था, बहुत सारे बातें जो रियली नॉट नेसेसरी है, व्यर्थ है। आज भी बाबा वरदान में बोला है ये सब तपस्या में बहुत विघ्न डालते हैं। जैसे ही पवित्रता की स्टेज कम होती है तो बाबा के साथ लिंक लूज हो जाता है। तो तपस्या तो दूर की बात है, जब लिंक ही ढीला हो गया है तो अंदर हम बैठते हैं 1 घंटा, लेकिन उसमें जमा कितनी हुई। इसलिए ये जो धारणा की बातें हैं इस पर बहुत ध्यान देना है। ये सब का तपस्या से बहुत गहरी कनेक्शन है। जैसे दादी गुलजार दादी का क्लास में हाँ हमने जो सुना है कि तपस्या के लिए अपने चार्ट को तो जरूर देखना है, मैं दूसरों को दुख नहीं देता हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं कितनों को सुख दिया हूँ वो भी देखता है। तो ये सब धारणा की एस्पेक्ट में आते हैं, हमारा सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार है, संबंध है। तो जब ये धारणाएं भी जिसमें दैवी गुणों की धारणा ये सब सेम एस्पेक्ट में आ जाता है, वो भी हमारे एनर्जी लेवल को ऊंचा बनाता है। जो वेस्ट नेगेटिव में बहुत सारे एनर्जी वेस्ट होता है उससे बाबा से कनेक्शन तो नहीं हो सकता है। देखो बाबा से कनेक्ट करने के लिए भी कई नियम है। देखो बाबा तो ओशन ऑफ लव है, बाबा का पोटेंशियल इतना हाई है और हमको भी अपना लेवल को थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ता है, तभी हम उस शक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ कहावत है पावर अट्रैक्ट्स पावर, तो हमारे अंदर भी थोड़ी सी पावर होनी चाहिए, थोड़ी सी स्थिति होनी चाहिए, तब बाबा की शक्ति को हम खींच सकते हैं। इसलिए नयम को जब नए आते हैं क्यों इतना उसको बड़ों का परिवार का सहयोग मिलता है, ताकि वो लोग वो स्टेज पर आ सके वेयर दे कैन कनेक्ट अपने आप बाबा से। उस पॉइंट तक हम उसको बहुत मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके लिए योग करते हैं, ये सब प्रोटेक्शन है सेल्फ, उसको सस्टेन करने के लिए। तो हम तो ज्ञान में इतने साल से चल रहे हैं, तो अभी हमारी जिम्मेवारी है हम अपने आप को उस स्टेज में बना के रखें। हम बार बार सीनियर्स की मदद मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी ड्रामा के समय अनुसार हम दूसरों को मदद करना है, हम बाबा से शक्ति लेकर, यही बाबा की विश है। हम सभी ब्राह्मणों से एक भोग का मैसेज मुझे याद आता है, एक बार आई थिंक मेक्सिको में या कहीं पर अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और एक साथ में बहुत लोगों ने शरीर छोड़ा है। ऐसे सीन्स तो अभी ड्रामा में और भी बहुत आएंगे। तो उस समय की बात है, ये शायद 10 साल पुरानी बात है, 10-12 साल। तब शिष्य जी का भोग मैसेज था, उसमें बाबा ने दिखाया है जो भी आत्माएं इकट्ठे शरीर छोड़े है वो सभी जाकर एक पहाड़ी पर जैसे बैठे हैं, सब 200-300 जितने भी आत्माएं थे वो एक पहाड़ी पर बैठे हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण है, बाबा की योगी तो आत्माएं हैं। और ये ब्राह्मणों की शक्ति से वो आत्माओं को धीरे धीरे आगे की जर्नी में एक एक जा रहे हैं।
तो बाबा ने उस मैसेज में बोला है अभी ये सेवा करनी है, इस प्रकार की सेवा करनी है। आई थिंक आगे चलकर ये सेवा तो बहुत ही करना है, उसके लिए ये रियल मनसा सेवा है। तो ये मनसा सेवा करने के लिए पहले हमको वो स्थिति चाहिए, तब बाबा हमको यूज कर सकता है। तो ये तपस्या का तो बहुत ही एक्सट्रीमली गहरी डेप्थ है, लेकिन उसके लिए बेसिक तो हमारे स्थिति को अच्छा रखना है। उसके लिए ये बेसिक एलिमेंट्स है, वेरी बेसिक बट बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, सत्संग, पवित्र भोजन, दैवी गुणों की धारणा, और चौथे एस्पेक्ट है पवित्रता के एस्पेक्ट। पवित्रता के ऊपर भी और भी गहराई से मनन चिंतन करें। और अभी हम देखेंगे ये रामनाथ भाई जी की क्लास से ये प्रेरणा ली है, ये जो डिफरेंट मेडिटेशन का डिफरेंट स्टेजेस जो है। देखो योग चार स्टेजेस योग के लिए, उसमें तो चेक करना ही मैं कौन सी स्टेज पर हूं, ऑनेस्टली चेक करना है। पहली स्टेज है साकार दुनिया, साकार की स्टेज, माना चलते फिरते काम करते भी, उसमें भी हम मुरली की कोई भी एक पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन करना। हम देखेंगे तो सुदेश दीदी की क्लासेस में बहुत सारी ज्ञान की मनन चिंतन कैसे हमारी स्थिति को ऊंचा उठाती है और कनेक्शन कैसे इजी होता है। तो ये सब बातें दे आर हेल्पिंग अस बाबा से लिंक, आत्मा की स्थिति को बढ़ाए तब बाबा से लिंक जुटे। तो ये वन ऑफ द वेरी बेसिक स्टेप है जो कोई भी कर सकता है। मुरली के पॉइंट को उठाओ, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, लेकिन ये तो जरूर करना है हर एक हर दिन, तभी व्यर्थ एक व्यर्थ से भी मुक्त होंगे और बाबा की इतनी पवित्र ज्ञान बुद्धि में जब मनन करते हैं तो बुद्धि का भी जैसे बाबा कहते हैं बर्तन प्यूरिफाई हो जाता है वो ज्ञान को मनन करते करते। तो ये तो हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई बहुत सारे प्रैक्टिस, बहुत सारी गहराई की भी जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेप है। तो कई लोग ये भी कंप्लेन कर सकता है तो कि मुझे चर्निंग करना नहीं आता है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं, बैठ के एक 5 मिनट 10 मिनट समय निकालकर मुरली का, बाबा एक अव्यक्त मुरली में बाबा बोला है कैसे चर्निंग को बढ़ाना है। बाबा ने बोला है जिसको लगता है नहीं आता है पहले मुरली कई बार पढ़े 2-3 बार, फिर बाबा उस मुरली में ये भी बोला है कि 4 बार मुरली पढ़ने से आपका योग ठीक हो जाएगा, इस समथिंग लाइक दैट बाबा सेड। ये बहुत पुरानी मुरली नहीं है, लास्ट इस सीजन के मुरली में ही बाबा बोला है आई थिंक, इस सीजन या लास्ट सीजन में। जिसको बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं तो बाबा ने बोला है 4 बार मुरली पढ़ो रोज, नियम बनाओ तो व्यर्थ संकल्प खत्म। माना इतना शक्ति है सिर्फ ज्ञान पर अटेंशन देने से ही, तो ये आदत डालनी है। ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्निंग करना, ज्ञान का चर्निंग करना। और दूसरा स्टेज, नेक्स्ट स्टेज है बाबा से सूक्ष्म वतन में कनेक्ट होना। देखो निराकारी स्टेज तो रियली टॉप स्टेज है, उस स्टेज को भी मुझे लगता है बहुत ब्राह्मणों ने किया भी नहीं है, और वो भी किया भी है रियली मोमेंटरीली होगा, क्योंकि वो रियली टॉप माना टॉप स्टेज है निराकारी। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स है जो हमको बाबा से वो संबंध जुटा रखने के लिए, वो फर्स्ट स्टेप है चर्निंग, और दूसरा स्टेप है सटल कॉन्वर्सेशन, चिटचैट बाबा से, रूह रिहान। तो हम बाबा को सूक्ष्म वतन में कनेक्ट करें, सूक्ष्म वतन में बाबा सूक्ष्म शरीर में है,
अभी भी बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, संपूर्ण अव्यक्त बाप दादा। और अभी तो बहुत सारी दादियां भी है, पूर्वज भी है, तो कोई भी आत्मा से हम कनेक्ट हो सकते हैं, बाबा से और पूर्वजों से। तो सूक्ष्म वतन बाबा इसलिए क्रिएट किया है संगम युग में, ताकि हम उसका लाभ ले और कनेक्शन हमारे लिए इजी हो। तो ये कॉन्वर्जेशन, लेकिन कई लोग ये कॉन्वर्जेशन को भी इस लेवल में लाकर करते हैं, उससे अच्छा हम कॉन्वर्जेशन को उस लेवल में ले जाना है। इसका क्या मतलब है? पहले अपने आप को एंजेलिक स्टेज में उठाकर फिर बाबा से कॉन्वर्जेशन करना है। तो ये है सटल कॉन्वर्जेशन, बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा को जैसे चेहरे को सामने इमर्ज करके, वो चेहरे का जो एक्सप्रेशन से वो रीड करने का, ये भी सटल प्रैक्टिसेस है। बाबा के चेहरे में भी वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो भी बाबा ये भी अनुभव कराता है। आई थिंक आपको भी अनुभव हुआ होगा कि हमको लगता है कि बाबा इज ट्राइंग टू टेल समथिंग फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन। तो ये भी एक स्टेज है बाबा से सूक्ष्म कनेक्ट करके उस लेवल में रूहरिहान करना है। ये भी एक सूक्ष्म भाषा है। देखो हमको स्थूल भाषा की तो बहुत आदतें हो गए हैं, लेकिन इस सूक्ष्म भाषा से कैसे कम्युनिकेट करना है, बहुत सूक्ष्म है ये। ये तो एक्सप्रेशंस की बात है, बाबा की नयनों की भाषा बाबा बोलते हैं। नयनों को एक्सप्रेशन से कैसे बाबा से कम्युनिकेट करें, ये भी एक्सपेरिमेंट करना है। देखो ये भी एक बहुत सूक्ष्म स्थिति है, हाँ, जिसमें हम बाबा से कनेक्ट करने के लिए अभ्यास करते हैं। और नेक्स्ट स्टेज है इनकॉर्पोरियल स्टेज, इसको बहुत नाम है, बीज रूप अवस्था, निराकारी अवस्था। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें हम मन बुद्धि से भी उपराम जाते हैं, और वहां सिर्फ एक्सपीरियंस होते हैं, यू नो, वी जस्ट एक्सपीरियंस। इन माय एक्सपीरियंस मैंने कई मधुबन निवासियों से पूछा है ऐसे चिटचैट में, क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी परमधाम का? तो मुझे एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि निवासियों का भट्टी होती है जब वो लोग, सिर्फ योगी होता है, क्लासेस तो बहुत मना बहुत ही कम, तो 3-4 घंटा कंटिन्यूस बैठते हैं। अमृत वेला 2 बजे उठते हैं, 5 बजे तक कंटिन्यूस योग का। तो एक भाई ने मुझे बताया, तब मुझे आई अंडरस्टूड निराकार स्थिति का अनुभव क्या होता है, जिसमें हम अपने मन बुद्धि को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम अनुभव करने लगते हैं। ये अनुभव डेफिनेटली बाबा ही देता है। जब हमारी स्थिति वो अनुभव के लिए रेडी है, तब हाँ बाबा ही देता है। तो वो भाई का अनुभव ये था कि वो सिर्फ बाबा की याद में बैठ गया है, बहुत स्पेशल आत्मा है। तो वो भाई बोल रहा था अपना अनुभव कि जिस बाबा की याद में बैठा है और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, he started experiencing all the qualities, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, जो शांत स्वरूप है, जो शक्ति का स्वरूप है। उसका क्या मतलब है, आत्मा शक्तियों से संपन्न है। he didn't have to बुद्धि को चलाना, संकल्प को चलाना नहीं पड़ा है, सिर्फ उसके अनुभव कर रहे थे। ये निराकारी एक्सपीरियंस है। ये हमने रामनाथ भाई जी का क्लास में भी सुना है कि निराकारी स्थिति में मन बुद्धि को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो बिलो नीचे की स्टेजेस है, जहाँ हम मनन चिंतन करते हैं तो मन को यूज करते हैं, और बाबा से रूहरिहान करते हैं तब भी मन बुद्धि को यूज करते हैं, वो समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए बुद्धि को भी यूज करते हैं, मन को भी यूज करते हैं।
तो ये स्टेज बियॉन्ड इंटरप्रिटेशंस भी है, जहां हम सिर्फ गुणों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये स्टेज है निराकारी स्टेज। अच्छा, हमारा बैटरी अभी कम हो गया है, सॉरी मैं फोन से कनेक्ट करती हूँ, जस्ट गिव मी वन मिनट, मैं यहाँ से डिसकनेक्ट करके लैपटॉप से आई विल कनेक्ट फ्रॉम माय मोबाइल। को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे परफेक्ट सोल कॉन्शियस स्टेज है, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति, जहां हम पूरा ही आत्मा के गुणों का एक्सपीरियंस करते हैं, यह है निराकार स्थिति। फिर उसके ऊपर की भी और एक स्टेज है, तो कौन सा स्टेज हो सकता है? वो स्टेज है वर्ल्ड बेनिफैक्टर, माना विश्व कल्याणकारी की स्थिति, जो हम सेवा कर सकते हैं अपने मन से। तो मनसा सेवा करने के लिए देखो कितने सारे स्टेप्स है। पहले अपने वो योगी की स्टेज पर बैठना है, जिसके लिए चार धारणाएं है। फिर जब वो स्टेज आ जाती है, फिर नेक्स्ट उसमें मुरली का ज्ञान के ऊपर, माना हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसको हम मुरली के आधार से सॉल्व करें। ठीक है, सीनियर से भी, आपस में ब्राह्मणों से भी चिटचैट करते हैं, वो भी एक स्टेज है। उसका नेक्स्ट स्टेज है हम मुरली से ही अपने समाधान को ढूंढ लेते हैं, वो भी एक स्टेज है, वो भी चर्निंग से आती है। फिर डायरेक्ट बाबा से सूक्ष्म वतन में रूह रिहान करके बाबा से इशारे ले सके, वो भी बहुत बड़ी स्टेज है। एक होते हैं इमेजिन करना, एक होती है रियली उसको एक्सपीरियंस करना, फील करना है। तो उसके लिए ये बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हमारा लिंक होगा, तभी बुद्धि में वो क्लैरिटी आएगी। ये सब भी ये चार बातों से बहुत ही कनेक्टेड है, अन्न का, शुद्ध अन्न का, कंपनी का, ये सब से बहुत बहुत गहरी कनेक्शन है, बुद्धि की लाइन क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेज है निराकार स्थिति, जिसको संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति कह सकते हैं, जिसमें हम अपने मन बुद्धि को नहीं चलाते हैं, सिर्फ अनुभव की स्थिति में रहते हैं। ये भी बहुत ऊंची स्टेज है। फिर उसके आगे की स्टेज है मनसा सेवा, जो हमारी स्थिति को बाबा यूज कर सकता है अन्य आत्माओं की सेवा के लिए। जैसे भोगी जो मैसेज में सील के बारे में जो अभी वर्णन किया है, उसमें बाबा ब्राह्मणों की स्टेज को यूज करके जो जरूरत है, जिस आत्मा को जिस रूप से जरूरत है, हमारी शक्तियों को, हमारी स्थिति को उस आत्मा के प्रति बाबा यूज करता है। ये है विश्व कल्याण की स्टेज, वर्ल्ड बेनिफैक्टर स्टेज। ये भी जब इवन हम जब कॉर्पोरियल स्टेज में होते हैं, तब भी बाबा हमको हमारे स्थिति को यूज कर सकता है। सुषमा बेन अभी आए हैं, ओके। तो ये है चार योग के चार स्टेजेस। तो अभी चेक करना है हम कौन से स्टेज में कंफर्टेबल है, अभी कहाँ तक आए हैं और कहाँ तक पहुंचना है, बाबा क्या चाहते हैं, अभी समय अनुसार कौन से स्टेज में होनी चाहिए। ड्रामा की अभी जो घड़ियां चल रही है, तो बाबा चाहते हैं हम वर्ल्ड बेनिफैक्टर स्टेज में रहकर सेवा करनी है। अभी आगे चलकर यही सेवा होगी, ये तो बाबा शुरू से ही, जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं, 70s के अव्यक्त मुरलियों में ही आप ये सुन रहे हैं, तभी बाबा ये बहुत प्रेरणा दी है
ऐसी स्थिति बनाने के लिए कि आगे चलकर यही सेवा चलेगी, आगे चलकर ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने का, कॉन्फ्रेंसेस करने का ऐसा समय अभी ड्रामा में कम है। नेक्स्ट स्टेज सेवा का नेक्स्ट स्वरूप जो है वो है मनसा सेवा का। तो पापा तो 50 इयर्स पहले ही प्रेरणा दिया है कि ऐसे सेवा का अभ्यास करने के लिए। तो जब भी हम योग में बैठते हैं तो ये चारों ही स्टेजेस का अभ्यास करें। करते करते बाबा हमको वो अनुभव कराता है, रोज हम इन चारों ही स्टेजेस में बैठने का अनुभव करने का अभ्यास करें। चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते, मुरली का मनन चिंतन, फिर रूह रिहान, फिर योग में जब बैठते हैं तब निराकारी स्थिति का, फिर विश्व कल्याणकारी स्थिति का, ये चारों ही हर रोज अनुभव करने का लक्ष्य रखना है। क्योंकि ये रियल तपस्या है, हमारा जीवन ही योगी जीवन है। ऐसा नहीं कि योग हमारा एक अलग है, हम 2 घंटा योग में बैठे, उस प्रकार का योग नहीं है। हमारा बाबा तो कहता है योगी जीवन है। तो योगी जीवन के लिए वो निरंतर कुछ ना कुछ अभ्यास अंदर चलता रहे। तो ये है योग की तपस्या की थोड़ी परिभाषा। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट बचा है क्या? ओम शांति श्वेता बहन, आपने बहुत ही सरल तरीके से, सुंदर तरीके से 4 जो हमारे विषय है उसको भी समझाया, उसको कैसे आधार बनाए पुरुषार्थ का, और साथ ही 4 हमारी जो योग की स्थितियां हैं उसको कैसे अपना जीवन में साथ में लेके चले, उन सभी स्थितियों का अनुभव करते चले। थैंक यू बहन। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये जो तपस्या की परिभाषा है, इसमें तो और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे। जैसे एकाग्रता को कैसे बढ़ाए, उसमें बाबा से प्यार को कैसे इंक्रीज करे, और उसमें ज्वालामुखी योग क्या है, बाबा के जो खजाना है उसको कैसे यूज करे, उपराम अवस्था, इसमें बहुत सारे दादियों के क्लासेस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। वो तो डेफिनेटली 1 घंटे में नहीं हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली उसके ऊपर स्टडी करने का इंटरेस्ट रखना है। दिस इज माय इंप्रेशन और सजेशन। ओके, आपका पुरुषार्थ अभी विशेष क्या चल रहा है प्रेजेंट में? देखो, प्रेजेंट में तो हमारा अनुभव है कि योग तो बहुत सहज है, एज लॉन्ग एज हम ये 4 नियमों पर, जो 4 बेसिक चीज है, वो बेसिक नहीं है क्योंकि माया का इतना प्रभाव है कि हमको ये बेसिक चीजों से भी थोड़ा हटाती है। कभी कभी अलबेलापन आ जाता है, लगता है ठीक है आज क्लास में नहीं गए तो भी ठीक है। हम तो 99% किसी भी परिस्थिति हो, मोस्टली हम तो क्लास में जाकर मुरली सुनना है, ये तो नियम बनाया है कई सालों से, तो हम तो बेसिक इन चीजों पर ध्यान देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक बाबा हमारा स्थिति को यूज करता है और बाबा ही एक्सपीरियंसेस देता है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। और बाबा ही हमको कभी कभी ऐसे क्लास मिल जाता है, कभी कभी ऐसे चुपचाप करते हैं ताकि हमको और भी गहराई से टच होता है। अभी इस बात पर ध्यान देना है योग में, अभी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर थोड़ा थॉट्स चलता है, क्योंकि ये इतनी वास्ट सब्जेक्ट है, ये कोई सिंपल सब्जेक्ट तो रियली एक्चुअली नहीं है, बहुत वास्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मैं समझती हूँ मुझे तो बहुत कुछ सीखना है अभी, हम तो जैसे सरफेस पर ही है अभी, और भी बहुत इन स्थितियों को अनुभव करना है। ये मेरा अभ्यास, ये मेरा पुरुषार्थ है कि और गहराई में जाए।
और हमारे ये चार जो स्तंभ है उसको कॉन्स्टेंटली वॉच करे, वो पक्के रहे, क्योंकि उसके ऊपर ही हम दूसरा बिल्ड करें। सो बेसिक्स पर मेरा ध्यान है और उसके ऊपर तो बाबा ही हमको गाइड करता है, ये मेरा अभी का प्रशर्त है। क्योंकि कभी कभी ये बेसिक्स भी इतना इजी नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत माया का प्रभाव सूक्ष्म रीति में बहुत है। हम किसी के प्रभाव में आते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस से हमारा मुरली का क्लास थोड़ा ढीला हो जाता है, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है बुद्धि पर। सो उन सभी इन्फ्लुएंसेस से भी दूर होकर मेरा ये जो चार स्तंभ है, आई शुड नॉट लीव फ्रॉम दैट, ये मेरा वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। ये मनसा सेवा का जो सहित है तो हमारे घर में हुई खाने का टाइम है, और कभी कभी अगर मैं बीच में अगर सुनती रहूं तो ये ठीक रहता है, खाना देती भी रहूं, साथ में खाना पड़ता है, मतलब रोज नहीं हो सकता ना, जो खाना के टाइम वही टाइम हो जाता है, 3 और 4 तक यहाँ मनसा सेवा चलती है। हाँ देखो, पर आप तो अपनी टाइम निकाल सकते हैं। एक होती है ये बाबा अभी लेटेस्ट अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला है खुद का खुद प्रोग्राम देना है। एक तो होता है जनरल प्रोग्राम, एक होती है खुद का प्रोग्राम। वो खुद को खुद का, हमको तपस्वी तपस्या करना है, योगी बनना है, तो हमको खुद को भी अपना टाइम टेबल बनानी पड़ती है, खुद को भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ग्रुप पर भी डिपेंडेंट हो, ऑफ कोर्स बहुत हेल्प मदद करता है, लेकिन खुद भी अपना प्लान बनानी है। ठीक है ग्रुप का हमारा मैच नहीं होता है तो हम फिर बाद में अपने हिसाब से करना चाहिए। सो खुद का टाइम टेबल, खुद का प्लान खुद करना। वो आधा घंटा रख लिया है अभी, हाँ। एक महीना चलता है, फिर उसी से बात भी कंटिन्यू करती हूँ, वही टाइम अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू। तो उस टाइम सुनना नहीं चाहिए ना, जो खाने में बात करने में नहीं होता, क्यों मैं पहन के भी सुन लेती हूँ, उसी में रहती हूँ। शुभकामना शुभकामना। सुनना कोई बात नहीं, लेकिन अलग से भी करना है। हाँ जी ठीक, थैंक यू। अभी ये गीत में योग करें छोटा। हाँ जी, और कोई अपना अनुभव सुनाए, अभी क्या पुरुषार्थ चल रही है, किस बात पर ध्यान दे रही है, कोई अपना अनुभव सुनाए, कोई एक। औसत हमने क्या किया इस एक महीने में? जी मतलब क्या लक्ष्य रखा है, किस बात पर ध्यान देना है, अपने आप को किस बात पर अलर्ट रखा है, कोई अपना अनुभव शेयर करे। देखो और बहन अगर करती है तो कर लेना, नहीं बहुत सारे बहन भाई है। ओम शांति बहन। ओम शांति। शांति बहन, मैंने भी ये सारा मंथ अखंड पति की बाबा का योग किया, और पहले पहले शुरू में तो एक दो दिन थोड़ा सा कम ही टाइम, मतलब आधा घंटा तो पूरा बैठ रही थी, उसके बाद आधा घंटा बहुत कम लगने लगा, फिर मैंने अपने आप उसको 10 मिनट आगे और 10 मिनट पीछे किए, और इतना योग में बैठने की कोशिश की, मतलब अब भी घंटा बैठने लग गई हूँ, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा योग का इसमें। और बाबा को भी ऐसे संकल्प रखा कि सुबह मुरली रोज सुननी है, और मेरी जून से शुरू हुई हुई है कि कोई नागा नहीं पड़ा अभी तक सुबह मुरली सुनने का, और सुबह सुबह पावर भर कर काम पे जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो नया स्टूडेंट हूँ अभी बाबा का, मेरे को तो बहुत चेंज आया अपने आप में, अंदर से भी
और शांत वातावरण में भी रह रही हूँ। और थोड़ा सा है कि जब बच्चों को भी अब डांट नहीं सकते, अब अपने आप अंदर सोच लिया कि शांत रहना है, तो उसके लिए थोड़े सा होता है कि जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, वो बहुत एक शांति विहार से चल रहे हैं कि बाबा को आगे रखकर उनको बोलकर कि बाबा आप ही आगे चलाओ और आगे करो, और मन ही मन बाबा को याद करती रहती हूँ। यानी कि एक महीने में मेरे में अखंड भट्टी का बहुत असर हुआ है, अब मैं आगे भी कंटिन्यूसली रखूंगी। आगे भी जरूर कंटिन्यू करना है। योग को तो हमारा जीवन का एक पार्ट बनाना है, क्योंकि हमारा बाबा कहते हैं योगी जीवन है, योग लगाने वाले नहीं, तो हमारा जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। ओम शांति बहन। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत भी बजा सकते हैं। सभी को ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।